गौचर मेले को भव्य बनाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में हुई बैठक। राज्य स्तरीय गौचर मेले में इस बार बहुआयामी अंदाज देखने को मिलेंगे और लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम भी शामिल होंगे। जिलाधिकारी और मेला अध्यक्ष हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गौचर मेले की बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य रूप देने और विभिन्न समितियों एवं उनके दायित्वों के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, कर्णप्रयाग ब्लॉक प्रमुख चंद्रेश्वरी देवी सहित कई व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि मेले के आयोजन को लेकर जो भी सुझाव मिले हैं उन पर अमल करते हुए संस्कृति एवं परंपरा को एक धरोहर के रूप में संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि गौचर मेला हमारी परंपराओं से जुड़ा हुआ मेला है और संस्कृति को ध्यान में रखकर ही मेले को भव्य रूप दिया जाए, साथ ही मेले में सभी सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। गौचर मेले की आज जो हमारे अध्यक्षता में तृतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी कर्णप्रयाग भी उपस्थित थे और इसमें जो गौचर निवासी जो उपस्थित थे उनके द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं, तो उनको हम कंसिडर करेंगे और जो भी जिनका भी क्रियान्वयन हो सकता है उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और कोशिश हमारी यही है कि इस बार का गौचर मेला है वो एक स्वच्छ और भव्य गौचर मेला हो और सभी जो यहाँ के लोग हैं वो उसका लाभ उठा सकें और उनको जो चाहे आजीविका से जुड़ा है चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से हैं, तो सभी जुड़े लोगों को इसका लाभ हो और एक जो गौचर मेला जो चमोली जनपद की धरोहर के रूप में माना जाता है वो उसको धरोहर के रूप में संरक्षित